सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दर्जनों मरीजों को जायद अल्मोयाद स्टंट्स लगाए गए, एफआईए का इंकशाफ। जायद अल्मोयाद स्टंट्स के इस्तेमाल से मुतालिक अहम इंकशाफ किया है। एफआईए के मुताबिक पीआईसी में गुज़श्ता बरस 47 एक्सपायर्ड स्टंट्स 38 मरीजों को लगाए गए। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जायद अल्मोयाद स्टंट्स के इस्तेमाल से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि 500 स्टंट 2019 में वो नजी कंपनी से खरीदे गए थे जो 2020 तक लगाने थे, ताहम ऐसा नहीं हुआ। पीआईसी ने 19 माह बाद गुज़श्ता बरस एक्सपायर्ड स्टंट 38 मरीजों को लगाए। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि पीआईसी के पास स्टंट मौजूद थे, फिर भी स्टनोट्स के लिए दूसरे अस्पतालों से डिमांड करते रहे, जिसके बावजूद मामले में बदनीति का आंसर वाज नजर आता है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मामले से मुतालिक कहा कि एक्सपायर्ड स्टंट्स लगाने में मलूस डॉक्टर्स और दूसरे अफराद को तलब करके मजीद इंक्वायरी की जाएगी, क्योंकि कौमी खजाने के साथ साथ लोगों की सेहत को भी नुकसान पहुंचाया गया। ख्याल रहे कि गुज़श्ता साल आरजा कलब के सबसे बड़े अस्पताल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इंतजामिया की मुबीना गफिल से जायद अल्मोयाद स्टंट डाले जाने का इंकशाफ हुआ। वजीर अला पंजाब ने मीडिया में नशर होने वाली खबरों का नोट्स लेते हुए सेक्रेटरी स्पेशल हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन से रिपोर्ट तलब की थी। मरीजों को एक्सपायर स्टंट डालने पर 6 रुकनी तहकीकती कमेटी तश्कील दे दी गई थी। 14 मई 2021 को एक्सपायर होने वाला स्टंट 7 जुलाई को डाला गया, 14 मई को एक्सपायर होने वाला स्टंट 5 जून को सादात नवाजी को डाला गया। इसी तरह 17 जुलाई को एक्सपायर होने वाला स्टंट 4 अगस्त को मरीज गजनफर और 19 मई को एक्सपायर होने वाला स्टंट 28 मई को नईम शहजाद और 13 जून को एक्सपायर होने वाला स्टंट 15 जून को सिदारिश को डाला गया। जराया के मुताबिक मई जून जुलाई में एक्सपायर दर्जनों स्टंट मरीज को डाले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स की जानिब से इंतजामिया को स्टंट एक्सपायर होने बारे आगाह भी किया गया। चीफ फार्मासिस्ट और मुतालिका अफसरान ने निशानदाही के बावजूद स्टंट मरीजों को डलवाए। जराया के मुताबिक साबिक एमएस ने स्टंट मुहैया करने वाली कंपनी को मुतअद्दद नोट्स भेजे, मगर उस बावजूद एक्सपायर स्टंट